तो ज्ञान का मतलब क्या है? प्रभुपाद बहुत सरल डेफिनेशन देते हैं, नोइंग थिंग्स एज दे आर। ज्ञान का मतलब है जो चीज है उसको वैसे ही देखना। हम क्योंकि ज्ञान नहीं है, हम अनर्थ को अर्थ समझ रहे हैं। जो काम वासना हमको दर्द देता है उसको हम हमारा धन समझते हैं, हमारा संपदा समझ रहे काम वासनाओं को। एक काम वासना कैसा है? हृदय में एक आग की तरह है। तो हृदय में आग रहेगा, संतुष्टता कैसे देगा? संतुष्टता नहीं देगा। पर ये आग को हम बढ़ाते जाते हैं और हमको लगता है कि ये इससे हमको संतुष्टता मिलेगा। तो ज्ञान का मतलब है देखना जो चीज़ वैसा ही है, और जब उसको समझ में आता है कि कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है मुझे, वो छोड़ने के लिए तैयार है। तो जब बद्ध जीव को ज्ञान मिलता है, भक्ति का ज्ञान मिलता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ हैं जो ज़रूरत नहीं है, मेरा समय ले रहा है भगवान की भक्ति में, पर मुझे इतने सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करता है, ये सब चीज़ों से वो वैराग्य प्राप्त करता है और ये चीज़ों को हमारे उसकी ज़िंदगी से निकालता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति करने से ज्ञान आता है और ज्ञान आते से वैराग्य आता है, डिटैचमेंट फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स। योग का मतलब है काम वासनाओं को घटाना, काम वासना को बढ़ाते हुए योग संभव नहीं है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे पानी और तेल मिक्स नहीं होता, वैसे ही काम वासना और भक्ति का जीवन, शुद्ध जीवन मिक्स नहीं होता। तो शुद्धिकरण मतलब काम वासनाओं से दूर होना, काम वासनाओं को कम करना हमारी ज़िंदगी में। वो कब होगा? जब हम भगवान पे ध्यान करेंगे,